आपराधिक प्रकरणों में पुलिस विवेचना और अपराध अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शासन व पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला राव में भी डीएनए परीक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ एडीजीपी तकनीक सेवाएं जीपी सिंह पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा किया गया। इस दौरान आईजी देहात जोन राकेश गुप्ता और पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला राव में डीएनए परीक्षण प्रारंभ होने को लेकर एडीजीपी तकनीक सेवाएं जीपी सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस को इस प्रयोगशाला के शुभारंभ से अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पुलिस विभाग को इस डीएनए परीक्षण के शुरू होने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी। अपराधी जितने ज़्यादा तकनीकी शातिर हो चुके हैं, उसके लिए पुलिस को भी तकनीकी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है, जिसमें यह प्रयोगशाला मील का पत्थर साबित होगी। फिलहाल डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला शुरू होने के बाद पुलिस को जल्द परिणाम मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश शासन गृह ने डीएनए की आवश्यकता को देखते हुए बहुत बड़ी पहल की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंदौर में डीएनए लैब का आज शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ का अभिप्राय यह है कि आज से ही यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपराधिक प्रकरण होते हैं, उनमें खासकर जैसे रेप के मामले हुए या पॉक्सो एक्ट के मामले हुए, जहाँ पे कि डीएनए की रिपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य जो फील्ड से कलेक्ट होके आता है, घटनास्थल से कलेक्ट होके आता है, वो यहाँ पे लैब के माध्यम से, डीएनए लैब के माध्यम से उसके रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, जिससे कि जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजायाबी कराने में अभियोजन को सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।